आप बताइए, सीनियर सिटीजन को कंसेशन देने के लिए पैसा नहीं है। अपना थोपरा चौक चौराहा पर जिस आदमी को लोग देखना नहीं चाहता है, उस आदमी को चेहरा चमकाने में आपने खर्च कर दी। अगर उसी पैसे से देश के बुजुर्गों के सम्मान में रेलवे जो कॉन्सेशन दे रही थी आप दे रहे होते, तो आज देश का इतना दुर्गति होता क्या, तो बताइए ना। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, इससे देश गर्त में चला जाएगा, देश श्रीलंका बन जाएगा, इसीलिए तो उन्होंने जो सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन था उसको हटाया उन्होंने। अच्छा, और कुछ बोलोगे कि बोलोगे आप? बोलूँ मैं? आप बोलिए। संदीप पात्रा जो फर्जी डॉक्टर, जो महिलाओं के साथ क्या किया था बारा हिंदू राव में पता ही होगा, ONGC में डायरेक्टर बना, ये कौन सी रबरी है भैया? अरे मोदी दी तम तो लवली है, ये बताओ ना, पुई पुई करने के लिए उसको ONGC में डायरेक्टर बना दोगे? ये रबरी नहीं दिखता, ये रबरी नहीं दिखता, बताओ ना। वाह, कमाल करते हैं। मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा है, ये कौन सी रबरी है भाई? मोहन भागवत का बाप दादा कोई देश की आजादी में लड़ाई लड़ने गया था? मोहन भागवत का देश में कुछ लगा है? किस बात का रेबरी मोहन भागवत को है? वाह, आप नहीं बताओगे वो चीज, आप नहीं बताओगे कि सुभाष चंद्र जो भारत का लुटेरा था उसको राज्यसभा में सदस्य बना दिए आप? तो कौन बात का रेबरी था भैया, कौन बात का रेबरी था कि आपने DHFL के मालिक से कपिल वधवा से पैसा लिया पार्टी फंड में, और 34,500 करोड़ रुपए का 17 बैंकों का घोटाला करने दिया? ये कौन सा रेबरी था, ये कौन सा रेबरी था कि नीरव मोदी मेहुल चौकसी देश छोड़कर बाहर भाग गया, 1,65,000 उद्योगपति जो बैंकों को चूना लगा कर भाग गए, ये कौन सा रेबरी था? तब नहीं बताइएगा, मुफ्तों का रेबरी नहीं चलेगा। क्या रेबरी नहीं चलेगा भैया? गौतम अडानी को कौन सा रेबरी दिया आपने? आप बताओ ना देश की जनता से। ये क्या करते, मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात झूठा आदमी है। पूरे हिटलर की अंत्येष्टि अगर जर्मनी में की गई होती तो मोदी जैसा झूठलर, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, जिस दिन से इसने सत्ता संभाला देश को गर्त में ढकेल दिया, नहीं पैदा लेता। रेबरी है तो रेबरी नहीं, किसको नहीं रेबरी दिया आपने? एक ऑटो चालक को ईडी का डर दिखाकर, जिसके यहाँ ईडी भेजा करते थे, उसको आपने CM बना दी, ये रेबरी नहीं है? बताओ। ज्योतिराज सिंधिया के बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया आपने, ग्वालियर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, तो क्या वो रेबरी नहीं है? रजत शर्मा को दिया, वो रेबरी नहीं है? किसको समझा रहे हो भाई, बताओ ना। रेबरी का लंबा लिस्ट है। आपने अपने लोगों से देश को लुटवाया, देश को गर्त में ढकेला, और देश की आवाम को हिंदू और मुसलमान में उलझाए रखा, फिर ये रेबरी नहीं तो क्या है? एक खटारा स्कूटर पर चढ़ने वाला गौतम अडानी, शेयर मार्केट का दलाल, वो आदमी आज वर्ल्ड का चौथा आदमी बन गया। अगर वो मेहनत से बनता तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, सर गर्व से ऊंचा रहता, लेकिन चूंकि वो भारत को लूट कर बना है, और मोदी जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश को गर्त में ढकेल कर, एक बात बताइए, ये तो बहुत पुराना आंकड़ा है, 76,00,000 करोड़ रुपया NPA कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया, जिस देश में बगैर कुछ सबूत पर्याप्त कागजात के गाय भैंस उधार नहीं मिलता है, रिक्शा उधार नहीं मिलता है, 1,000 रुपए का लोन नहीं मिलता है, आखिर गौतम अडानी के पास ऐसा कौन सा कागजात है? वो कागजात सिर्फ और सिर्फ एक है कि नरेंद्र मोदी जैसा दोस्त बैठा है। हमारे गांव में कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगते नाचमना, नंगा नाच रहा है गौतम अडानी। सारे बैंकों को दिवालिया बना दिया, देश की तमाम संपत्तियों को खरीद लिया, सारे ये खरीद बिक्री का खेल मोदी जी सिर्फ और सिर्फ CBI, ED, IT तमाम जो देश में संस्थाएं हैं उसका उपयोग गौतम अडानी को वर्ल्ड का चौथा आदमी बनाने में लगा दिया, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, देश में मंदी आ गई, देश में बेरोजगारी आ गई, देश में महंगाई चरम सीमा पर आ गई। बिल गेट्स को पछाड़ कर अडानी चौथा आदमी हो गया, और देश नाइजीरिया को पछाड़ दिया, हमारा रुपया भूटान से के बरोबर हो गया, उससे भी स्तर गिर गया, हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। प्रधानमंत्री खुद कहते थे, भाइयों बहनों
जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री का आबरू गिरता है, चरित्र गिरता है। ताज के आपका चरित्र गिर गया है, बताओ ना, नहीं बताओगे? अच्छा, रुपया गिरने के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं, आपको ये भी बात बता दूं, रुपया गिरने के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं कि अगर आप विदेश में कमा रहे हैं तो एक डॉलर भेजेंगे यहाँ पर तो आपको 80 रुपए मिलेंगे, इसके भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी अंधभक्तों की टोली है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाने वाले लोग हैं। इनको गोबर का कोई हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट डालोगे, खोआ मावा डालोगे, घी शक्कर डालोगे तो भी हलवा नहीं बनेगा। लेकिन ये लोग इसी तरीके नफरती बयान देने वाले लोग हैं और इन्हीं फायदा गिनानों के चक्कर में देश को गर्त में ढकेलने का काम आज तक जितनी बातें 2014 से पहले देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, वो बातें आज सब की सब झूठी हो जा रही। किसी बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि घर से ही संस्कार मिलते हैं। खुद भाजपा की दुलारिन स्मृति ईरानी येल यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री का दावा करती थी और वह आज तक नहीं दिखा पाई। उन्हीं की बेटी गोवा में एक बार चला रही है जिसका लाइसेंस झूठे दस्तावेज के आधार पर लिया। उनके जो बार हैं वो समझिए कि किसने उनको परमिशन दी, अनुमति दी, किसके अनुमति से खोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल उठता है कि रेस्टोरेंट पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाया गया, ये किसने दिया? जो स्मृति ईरानी की बेटी हैं, उन्होंने सिली सोल्स कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज का प्रयोग किया और वो ही ऐसे व्यक्ति के नाम से जो मृत है। 22 जून 2022 को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिस एंथनी डिगामा के नाम से आवेदन दिया गया, उनकी मौत पिछले साल ही मई महीने में हो गई। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि भाजपा की दुलारिन विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनके सारे तमाम नेता आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी, जो गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसको मानने वाली पार्टी है, उसी पार्टी से आती है। सवाल उठता है कि सारे नियम कायदा कानून को छोड़कर आबकारी नीति जो गोवा में है उसके हिसाब से राज्य में रेस्टोरेंट को ही बार का लाइसेंस मिल सकता है, वो भी एक रेस्टोरेंट को एक ही बार। अब समझिए कि इस नियम के अनदेखी कर, चूंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार की सबसे दुलारी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री, जो पहले आप देखते होंगे कि यही चूड़ियों का प्रयोग करती थी, आज मोदी जी ये जवाब दें कि गोवा और सेंट्रल में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्मृति ईरानी की बेटी को फर्जी कागजातों के आधार पर जो मृत आदमी है उसके नाम पर किस अधिकारी ने दिलवाए? क्या ये चूड़ियां आज प्रधानमंत्री को पहनाएंगे स्मृति ईरानी जी, या खुद पहनेंगी? यह बात स्मृति ईरानी को बताना चाहिए देश से। देश को गुमराह किया गया। और सवाल उठता है कि जो गांव कस्बे के रहने वाले अधिकारी ने इनको पकड़ा, उनके कारण बताए, नोटिस जारी किया गया, उस अधिकारी के जान पर सांसद बनी हुई है, वो अधिकारी के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। जब आप देश में देखेंगे जितने भी कुकर्म होते हैं, जितने भी घोटाले होते हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं।